जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। यहाँ पर हम आपको चार पांच क्वेश्चन करवाएंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इनको करने के लिए, इनको सॉल्व करने के लिए हम आपको बेहतर से बेहतर ट्रिक बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ताकि आप कम समय में ऐसे प्रश्नों को कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, और आपको नंबर सिस्टम का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। नंबर सिस्टम के जितने वीडियो अब तक अपलोड हो चुके हैं चैनल पर, वो आप लोग जाके देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू किया जाए। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि यदि ए बराबर 11 तथा बी बराबर 9 हो, ठीक है, ए बराबर 11 बी बराबर 9 हो, तो इसका मान क्या होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका मान क्या होगा, ये पूछ रहा है हमसे। तो आप क्या करेंगे, अगर आप सर्वसमिकाओं के बारे में नहीं पढ़े हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, तो अगर ये नहीं पढ़े हैं तो आप क्या करेंगे, ए का वैल्यू रखेंगे, बी का वैल्यू रखेंगे, फिर इनको करेंगे जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर भी वैल्यू रखेंगे, फिर भाग देंगे, तो इसमें ज़्यादा टाइम जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्मार्ट दिमाग का यूज करना है। क्या करना है, इसका मान रख देना है, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान रखना है। देखिए क्या होता है, वैल्यू, ठीक है, तो ए स्क्वायर ऊपर में क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब बटे में क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ये होता है ए माइनस बी और इनटू में हो जाता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो यही फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब के जगह पर यही फार्मूला आप लोग यहां पर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के जगह पर हम लिख सकते हैं ए माइनस बी और इनटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इतना चीज हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो ऊपर वाली संख्या है ए स्क्वायर प्लस बी ए बी ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये तो ये गुणा में है नीचे और ये ऊपर, तो इसको हम काट सकते हैं ना, ऐसे बिल्कुल काट सकते हैं, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है, इक्वल है। तो ऊपर क्या बचा, एक बचा, और डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब देखिए कितना सिंपल हो गया, अगर आपको एक फार्मूला याद है तो आप इसको कितने सिंपली कर सकते हैं। देखिए तो एक बटे, अब ए का वैल्यू कितना है, 11 माइनस 9, ठीक है, 11 माइनस 9 कर दीजिए तो 1/2 आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान सा है, ठीक है, अगर आपको ट्रिक्स पता है तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2, यानी ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न दिया है, यदि a तथा b ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 19 दिया गया है, तो a का मान क्या होगा। हमको सिर्फ यही चीज़ इक्वेशन दिया है, यही इक्वेशन दिया है, इससे हमको बताना है कि a का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना है, 19। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया है, इससे आप कैसे पता लगा सकते हैं, जबकि हमारे पास वेरिएबल दो हैं, ठीक है, वेरिएबल ए भी है बी भी है, दो वेरिएबल हैं और इक्वेशन सिर्फ एक ही दिया है, तो ऐसे तो नहीं पता लगा सकते ना, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर जुगाड़ लगाएंगे, ये प्रश्न कुछ सोच कर ही दिया गया होगा। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी और इनटू ए माइनस बी, ठीक है, इतना तो लिख सकते हैं ना, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और यही हमको 19 के बराबर दिया है। अब सोचिए इसको, देखिए यहाँ पर इस 19 को देखिए, ये 19 जो है एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, मतलब 19 को दो ऐसे गुणनखंड में अगर तोड़ें कि दोनों का गुणा करने पर 19 आ जाए, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी, होगी तो कौन कौन सी, एक होगी और 19 होगी, या फिर 19 गुणे एक, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, और तो किसी संख्या में नहीं टूटेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ,
कि a प्लस बी ये भी गुणा में है और a माइनस बी, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी क्या है, दोनों गुणा में है साथ में, ठीक है। तो जब दोनों गुणा में है और इन दोनों का गुणा कितना आ रहा है, 19 आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों में से एक ठो एक होगा और एक 19 होगा। मतलब अगर हम a माइनस बी को एक लें और a प्लस बी को 19 लें तो 19 गुणे एक बराबर 19 हो जाएगा ना, ऐसा तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो 19 है वो अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का जब हम गुणनखंड करते हैं तो 19 गुणे एक या एक गुणे 19 कुछ भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। और किसी भी दो संख्याओं में नहीं टूटेगा ये, बात समझ में आया ना, सिर्फ टूटेगा तो इसी तरीके से। इसका मतलब ये है कि इसमें a प्लस बी और a माइनस बी में से एक एक होगा, मतलब a माइनस बी एक होगा, या फिर a प्लस बी एक कर सकते हैं, या फिर a प्लस बी 19 होगा, या फिर a माइनस बी 1 होगा, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब सोचने वाली बात है कि धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, a और b दोनों धनात्मक पूर्णांक है, तो a और b प्लस, ठीक है, प्लस में है, तो उसका वैल्यू तो एक आएगा नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक होगा, यहाँ पर एक हो जाएगा, और गुणा है तो गुणा, और इसके जगह पर क्या होगा, 19 होगा। अब हमको पता चल गया कि a प्लस बी के स्थान पर क्या होने वाला है, a प्लस बी के स्थान पर 19 होने वाला है और a माइनस बी के स्थान पर एक होगा, तभी a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा करेंगे तो 19 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक ट्रिक भी बताएंगे, जब ऐसे पहले तो इसको आप कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करिए, ठीक है, फिर ट्रिक बताएंगे, ठीक ना। चलिए देखिए क्या करना है, दोनों को जोड़ दीजिए। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a। अब प्लस b और माइनस b कैंसिल होकर 0 हो गया, बराबर इधर भी जोड़ दीजिए तो 19 एक 20 हो गया, तो a बराबर कितना हो गया, 10 हो गया, यहाँ से 10 बार में कट जाएगा, यानी a कितना आ गया, 10 आ गया हमारे पास, समझ में आया ना। अब हमको क्या निकालना है, b निकालना है, तो b आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए क्या दिया है, यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ से निकालिए, a प्लस बी बराबर 19 दिया है ना, a का मान कितना है, b का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, 19, और a को उधर ले जाएंगे तो माइनस a है ना, तो 19 माइनस a का वैल्यू है 10, यानी 19 माइनस 10 9 आ गया, b का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट के साथ निकालने का तरीका, a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू आया है 10, b का वैल्यू आया है 9, ठीक है। अब आपको अगर ऐसा इक्वेशन दे देता है a प्लस बी, या फिर x प्लस वाई इक्वल टू इतना है, x माइनस वाई इक्वल टू इतना है, तो आपको x और y का वैल्यू निकालने के लिए बस एक ही काम करना है। अगर आपको a का वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, तो 19 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 20, अब बटे 2 कितना आ गया a का वैल्यू, 10। अगर b का वैल्यू निकालना है, ठीक है, b माइनस में है, ठीक है, अगर b का वैल्यू आता है तो इन दोनों को घटाकर, तो 19 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 18, और 2 से भाग दे दीजिए कितना आ गया, 9, ठीक है। तो आप इस शॉर्ट ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं, कब, जब इक्वेशन आपको कुछ इस तरह से दिया गया हो, a प्लस बी इक्वल टू इतना, a माइनस बी इक्वल टू इतना, दो इक्वेशन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इसको सोचना था कि किन दो संख्याओं का गुणा करने पर 19 आएगा, ठीक है, ये चीज़। तो a का वैल्यू हमको पूछा है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। उम्मीद है दूसरा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरे प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर अगला सवाल, ये प्रश्न बहुत ही शानदार है, इसको आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, उम्मीद है कि आप लोग इसको पॉज करके बनाए होंगे, ठीक है, आपका आंसर कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है, आपका क्या आया है। अब हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं, इसको देखिए क्या दिया गया है, 4 की घात a बराबर 5 दिया गया है, अब 5 की घात b बराबर 6 दिया गया है, और 6 का घात c बराबर 7, और 7 का घात d बराबर 8। तो हमको पूछ रहा है a गुड़े b गुड़े c गुड़े d, यानी a b c d
का मान क्या होगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीका है, आप इधर से ऊपर से भी शुरू कर सकते हैं, नीचे से भी शुरू कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए कि ये जो 7 की घात d है, तो 7 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 6 की घात c है। यानी इस 7 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 6 की घात c लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 7 के जगह पर क्या हो गया, ये है पहले 7 की घात d = 8। आप पीछे से शुरू करिए, ठीक है। अब 7 का वैल्यू कितना है, 6 की घात c है, तो 7 के जगह पर लिखेंगे 6 की घात c, और इसका भी घात क्या है, d है, ठीक है, बराबर कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अभी यहाँ तक अब देखिए 6 का वैल्यू कितना दिया है, 6 का वैल्यू हमको 5 की घात b दिया है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि 6 की घात c और उसके ब्रैकेट के ऊपर भी एक कोई घात लगा है, तो दोनों घात आपस में गुणा हो जाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 2 का घात 5 है और इसका भी घात 7 है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है 2 की घात 35, ठीक है। ये मतलब ये और ये दोनों गुणा हो जाते हैं, 7 × 5। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि c × d हो जाएगा, 6 की घात c × d। अब 6 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 5 की घात b, तब 5 की घात b हो गया, और ये तो पूरा 6 है, और 6 का घात कितना हुआ, c × d, तो c × d बराबर कितना है, ये 8 ही ना है। अब ध्यान से देखिए c × d इधर है, b यहाँ पर है, तो b c d के साथ गुणा हो जाएगा, और 5 का वैल्यू हमको कितना दिया है, यहाँ पर 4 की घात a दिया गया है, तब 5 के जगह पर रखेंगे 4 की घात a, समझ में आया, 4 की घात a, और b c d यहाँ पे हो जाएगा, b c d बराबर कितना है, 8, ठीक है। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ये हो गया 4 की घात कितना, a b c d, ठीक है, 4 की घात कितना हो गया, ये हो गया a b c d बराबर कितना, 8। अब यहाँ पर बेस हमको समान करना है, तो बेस कैसे समान कर सकते हैं, देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, और इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, तो 4 को लिख दिए 2 की घात 2, और इसके भी घात में क्या है, a b c d, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 की घात 2 × a b c d हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 a b c d, क्योंकि ये 2 गुणा हो जाएगा पावर के साथ, बराबर कितना हो गया, 2 की घात 3। अब यहाँ पर बेस हमारा समान हो गया, तो पावर भी हमारे समान हो जाएंगे, ठीक है। बेस जब इक्वल हो जाता है, इसका मतलब कि पावर भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों का पावर क्या है, इक्वल कर दीजिए, तो इसका पावर क्या है, 2 का पावर यहाँ पर इस साइड 2 × a × b × c × d इतना है, और बराबर में 2 का पावर कितना है, 3 है। तो यहाँ से a × b × c × d बराबर ये 3, और ये 2 इधर गुणा है, तो इधर आके बटा हो जाएगा, और 3/2 का मान होता है 1.5, कितना होता है, 1.5, यानी a × b × c × d का मान कितना आ जाएगा, 1.5 आपके पास निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1.5 कौन सा ऑप्शन सही है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक इसको करने का और तरीका देख लीजिए, यहाँ पर आप इसको स्टार्टिंग से भी शुरू कर सकते हैं, कैसे देखिए आंसर वही आएगा, घबराना नहीं है। देखिए ये क्या है, यहाँ पर 4 की घात a = 5 है ना, तो क्या करिए कि इस 5 का वैल्यू कितना है, 4 की घात a है, तो 5 का वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दीजिए, तो कितना हो गया, 4 की घात a × b = 6 हो गया। अब इस 6 का वैल्यू जो भी आएगा यहाँ पर रख दीजिए, तो कितना हो गया, 4 की घात a × b × c हो गया, बराबर 7। अब इस 7 का घात यहाँ पर उठा के रखिए, तो कितना हो जाएगा, 7 का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 की घात a × b × c × d बराबर 8, वही चीज़ आ गया ना, 4 की घात a × b × c × d बराबर 8। अब बस इसको बेस चेंज कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो तीसरा प्रश्न हो गया, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, इस प्रश्न को वीडियो पॉज करके आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान सा है, हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो इसका घात 3/5 है, यहाँ पर भी 3/5 कुछ और है, ठीक है। मतलब ये जो 3/5 यहाँ पर भी है, 3/5 यहाँ पर भी है, इन दोनों का बेस हमारा समान है और किस में है, गुणा में है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों का बेस समान होता है, जैसे मान लीजिए a का पावर m है और गुणे में b का पावर n है, ठीक है, सॉरी a का पावर n है, बेस हमारा समान है, जैसे यहाँ पर है 3/5, 3/5 पावर में अलग अलग है, ठीक ना। तो अगर बेस समान है और दोनों गुणा में है तो बेस को हम लिख लेते हैं और दोनों घात आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। दोनों घात, ये नियम तो आपको पता ही होगा, तो दोनों घातों को जोड़ दीजिए तो कितना होगा, m प्लस n हो जाएगा। यही रूल आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3/5 है और 3/5 -6 है, तो बेस समान है इसलिए बेस को लिख लीजिए। तो 3/5 को हमने लिख लिया है ना, और क्या करना है, दोनों घातों को जोड़ देना है। तो 3 + -6 कितना होगा, ये 3 - 6 होगा और 3 - 6 का वैल्यू होता है -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3। अब बराबर इसका क्या है, यहाँ पर 3/5 और इसके घात में दिया है 2x - 1। अब देखिए इक्वल के इस साइड भी बेस समान है, इक्वल के इस साइड भी बेस समान है, तो जब बेस समान होता है इसका मतलब पावर भी हमारा समान होता है, तो दोनों का पावर इक्वल कर दीजिए, बस यही करना था आपको। तो दोनों का पावर इक्वल कर दें, यहाँ पर है -3 और उधर है 2x - 1। इस -1 को इधर ले आते हैं तो -3 + 1 हो जाएगा और ये 2x हो गया। अब -3 + 1 - 2 = 2x, तो 2 से 2 यहाँ पर कट गया, यहाँ पे -1 हो गया, ठीक है। यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, -1 आ जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे, ठीक ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए मैथ्स और रीजनिंग के वीडियो आपको दिए जाएंगे ताकि आप अच्छे से स्कोर कर पाएँ किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।